बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई है। और ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। मैं रात ही मुंबई से जब पहुंचा 12:30-1 बजे तो मुंबई से चला था तो पंखा और कूलर चल रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट होता तो पूरी अनाउंसमेंट हो गई कि इतनी ठंडक है। पर मैंने 17-18 साल जम्मू कश्मीर हिमाचल में बिताए हैं तो इसलिए ठंड से दोस्ती अच्छी है हमारी। कुछ बात मैं रख देता हूं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और कुछ बातें आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं इसलिए उस विषय से बाहर की पूछने वाली भी होंगी, तो उसकी भी आपको पूरी अनुमति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एयरपोर्ट से चढ़ते हुए और उतरते समय नसरुद्दीन हमारा पीछा कर रहे थे, नसीरुद्दीन, तो आपके पास भी बहुत सारी बातें होंगी। फैंस सन 2014 में रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लेड बाय द इंटेलेक्चुअल बट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द नेशन, ये प्रारंभ हुई थी। सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, क्योंकि आज साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा काम बन गया जो कई साल पहले नहीं होता था। आंतरिक सुरक्षा के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें जो ज़्यादा भयानक रूप में हैं, एक है मजहबवाद के कारण होते हुए दंगे। ये देश की डेमोक्रेसी को और सोशल फाइबर के दुश्मन है। दूसरा है छुआछूत जातिवाद, ये कैंसर के रूप में निगल रहा है, और इसलिए देश के जब पीस और हारमोनिक्स खतरे में आती है तो डेवलपमेंट बिगड़ जाती है। तीसरा है कुछ अलगाववाद की हिंसक, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, माओवाद है, समय समय पर किन्हीं भी कारणों से होने वाले दंगे। एक विषय और उसमें है, जन आस्थाओं का या आस्थाओं का जब अपमान होता है तो उसके अंदर से उभरते हुए हिंसाएं हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं। बढ़ता हुआ क्राइम है देश के अंदर, कुछ सीमाओं के कारण देश में संकट आते हैं, जैसे आतंकी घुस आते हैं, शस्त्र आता जाता है, फेक करेंसी है, या फिर नशीले पदार्थ हैं जो सुरक्षा को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और एक देश के अंदर मौलिक विचारधारा में एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी। दुनिया में लगभग अपने झंडे को मानना, अपने देश को मानना, अपने नेशनल एंथम को मानना, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पर भारत में इसकी भी कंट्रोवर्सी उभरती रहती है। शायद दुनिया में और किसी देश में उस देश के झंडे को लेकर, उस देश के नेशनल एंथम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ और देश का नारा लगाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का नेशनलिज्म और देश की निष्ठा भी एक संविधान होने के बाद बहुत डिवाइडेड है। तो ऐसी जो चुनौतियां हैं, फिर जनजातियों को भड़काना और देश के अंदर वहां पर हिंसा पैदा करना, फिर सीमाओं पर है। प्रारंभ के अंदर जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको लगता था कि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से जाएंगे तो बहुत सीमाएं डेवलप नहीं भी की तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम किसी पर हमलावर नहीं होंगे तो हम पर कौन करेगा।
तो 47-48 के अंदर ही हमला हो गया पहला, तब नेहरू चेते नहीं, और चीन से उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसी चीन ने सबसे पहले भारत के ऊपर हिमालय में से हमला किया। तब उनको लगा कि वो किसी दूसरे लोक में जी रहे हैं और सच्चाई धरती की कुछ और है। एक भी सप्ताह महीना तो दूर की बात है, सप्ताह नहीं है जब सीमा पर गोलाबारी ना हुई हो। तिब्बत हड़पने के बाद चीन पड़ोसी बना, तो उसने जो बॉर्डर पब्लिक बॉर्डर था उसको आर्मी बॉर्डर में बदल दिया, और कांस्टेंट थ्रेट जो है देश की इंटीग्रेशन को खड़ा हो गया, देश की अखंडता और सीमाओं को। बांग्लादेश बना, और अभी बांग्लादेश के बनने की सेरेमनी भी भारत ने और दुनिया ने मनाई है 16 दिसंबर, तो भी उसने एक बड़ी संख्या में घुसपैठिया दे दिया। तो इसलिए सीमाओं पर कुछ तो मित्र देश हैं और विदाउट आर्मी बॉर्डर हैं, पब्लिक बॉर्डर हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये हमारे आर्मी बॉर्डर नहीं है, पब्लिक बॉर्डर्स हैं। इसलिए प्राय इनके कोई भयानक खतरे हैं ऐसा नहीं है, परंतु दुश्मन जरूर इनको बॉर्डर को इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, डेवलप्ड बॉर्डर और सिक्योर्ड बॉर्डर, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरे प्रकार की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, हमारे देश के प्रति उनके सोचने के नज़रिए कैसे हैं, और वो नज़रिए ठीक होने चाहिए। पिछले 4-5 साल में लगभग भारत दुनिया के अंदर अपनी लीडरशिप मेंटेन करता जा रहा है, जहाँ ये खुशी की बात है, दुनिया की ताकतों के लिए खतरा भी है कि अभी तक दुनिया के लीडरों में कहीं अमेरिका होता था, कहीं रूस होता था, कहीं चीन होता था, उन सबको लग रहा है कि हमारी लीडरशिप हिल रही है। और आतंक के रूप में और शांति के रूप में हिली है, क्योंकि जब अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया को आह्वान किया तो उसको 36 देशों का समर्थन मिला। प्राय लोगों के मन में दुनिया में ये भय था कि अमेरिका ईमानदार है कि अपनी पॉलिटिक्स करेगा। जब चीन ने ललकारा तो उसको 17-18 देशों का मना, पर जब डोकलम से चीन को हटाने के बाद, ये पहली एक ऐसी जंग है बहुत सालों के बाद दुनिया में जब एक भी गोली नहीं चली, एक भी हथियार नहीं चला, एक भी आदमी का खून नहीं बहा, यानी खून तो दूर क्या था, चोट तक नहीं लगी, और एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर मन बुद्धि का आता है और सस्ता है, ये पूरी दुनिया ने स्वीकार करना पड़ा और हो गया उसको स्वीकार। तो इसलिए एक लग रहा है, जैसे अभी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, सस्ता भी हुआ पर महंगा हुआ, ना होता तो अच्छा था, पर पेट्रोल डीजल पर दुनिया का अधिकार है, उन्होंने किया महंगा। फ्रांस में तो उसके कारण कितना भयानक रूप बना है, थैंक्स टू द पीपल ऑफ गॉड एंड पीपल ऑफ भारत और गवर्नमेंट ऑफ द भारत, कि भारत में वैसी हिंसा नहीं हुई, पर महंगाई तो हुई। पर एक बड़ा विचित्र सत्य है दुनिया के सामने और भारत को आया, जिसको रियलाइज करना कठिन हो रहा है, मार्केट सस्ती है, सब्जियां सस्ती हैं, अनाज सस्ता है, कपड़ा सस्ता है, और इवन पेट्रोल डीजल पर दौड़ने वाला और ट्रक होगा, जहाज होगा, ट्रेन होगी, बस होगी, टेम्पो होगा, उन्होंने किराए नहीं बढ़ाए। लोगों को लग रहा है ये कैसे हो सकता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट चल पड़ा तो फिर दुनिया में पेट्रोल और डीजल की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी हमेशा, पेट्रोल डॉलर्स की भी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने ये एहसास भारत को होने ही नहीं दिया कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद भी भारत की आर्थिक नीतियों के कारण बाज़ार सस्ता है, और उनको लगा कि अगर ये फार्मूला चल पड़ा तो फिर दुनिया के अनेक देशों की राजनीति आर्थिक रूप में वो ख़त्म हो जाएगी,
जो आर्थिकता से राजनीतिक दबाव बनाते हैं। परंतु ये भी एक चुनौती है भारत के सामने। और आज नई टेक्नोलॉजी के कारण जहाँ डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी, मैंने सन 70 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो मेरा उस समय एक पेपर था कि टेक्नोलॉजी वरदान है पर टेक्नोलॉजी अभिशाप भी है, क्योंकि जो उसको अच्छे के लिए उपयोग कर लेगा तो वरदान हो जाएगी, उसी को जो बुरे के लिए उपयोग कर लेगा तो भयानक अभिशाप हो जाएगी। अब आज चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी से बैंक अकाउंट चोरी कर लेते हैं लोग, और आदमी बैठा है उसी के सामने दूसरा उसका बैंक अकाउंट चुरा रहा है, उसको पता ही नहीं लगता, उसको 10 दिन बाद और 2 महीने बाद पता लगता है कि मेरे बैंक से इतना पैसा निकल गया है। तो ऐसे क्राइम्स जो हैं, हत्याएँ हो जाती हैं, किसी का भी चरित्र हनन कर लिया जाता है आज के वातावरण में, तो ये भी एक संकट खड़ा है। तो इन सब बातों के लिए करना, और कुछ ऐसे विषय हैं जैसे मैं अभी एक जगह गया हुआ था और कल मुझे कलकत्ता के अंदर अनेक देशों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करना है, तो मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली कैसे डील करना और कॉन्स्टिट्यूशनली। काबा है और करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा है, वेटिकन है करोड़ों का है, बौद्ध गया और सारनाथ है करोड़ों बौद्धों का है, स्वर्ण मंदिर है करोड़ों करोड़ सिखों का है, इन सबको न्याय भी है और इन सबको सम्मान भी है। तो उसी दुनिया के 730 करोड़ लोगों के सामने एक प्रश्न तो है कि जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस इक्वल फॉर ऑल होना चाहिए, या जस्टिस डिनायल फॉर वन होना चाहिए और फॉर ऑल जस्टिस होना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, किसी एक की डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो फिर राम जन्म स्थान के साथ इनजस्टिस क्यों, डिसऑनर क्यों? तो ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक थॉट का मुद्दा नहीं है, इनजस्टिस है तो फिर पूरी दुनिया का मुद्दा है। वाई नॉट द ऑल द वर्ल्ड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वाई नॉट द टोटल हिंदुस्तान शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई कहे कि इसी पार्टी का मुद्दा है कि जस्टिस दे, बाकियों का काम है इनजस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, ये तो नहीं चल सकता। वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एज, ह्यूमन वैल्यूज एज, वी आर लिविंग इन ए सेकुलर और एरा, तो फिर दुनिया के 730 करोड़ ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? जब काबा को 730 करोड़ लोग न्याय और सम्मान दे सकते हैं, वेटिकन को दे सकते हैं, सारनाथ और बौद्ध गया को दे सकते हैं, स्वर्ण मंदिर को दे सकते हैं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग ये कर सकते हैं, तो राम जन्म स्थान के साथ ही अन्याय और अपमान क्यों, उसको उसका ऑनर और जस्टिस क्यों नहीं मिलना चाहिए, उस पर विवाद क्यों? बाकियों को ऊपर विवाद करेंगे तो लोग कहेंगे इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ एंटी डेमोक्रेसी, इट इज़ एंटी सेकुलर, फिर एक के साथ इनजस्टिस को क्यों नहीं कहते वो? इसलिए उसके कारण जो एक देश का जब सोशल फाइबर बिगड़ता है तो दुनिया का सोशल फाइबर बिगड़ता है, तो अपने आप उसके कारण से इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट ये अपने आप खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसे सारे इश्यूज में से केयर करते हुए तो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर हो, अलर्ट नेशन हो और ट्रेंड हमारा सिक्योरिटी और डिसिप्लिन सिस्टम हो, पुलिस का, पारामिलिट्री का और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि का, ये भी हो, और देश के कंसेप्शंस क्लियर हों अबाउट द नेशन एंड सिक्योरिटी, वो कंफ्यूज्ड नहीं हो, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसी को सोचते हुए फैंस ने एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो मीडिया हाउसेस के भी कई सिक्योरिटी सेमिनार हुए, मैं अभी देख रहा था, मुझे भी इनविटेशन आया था रिपब्लिक वालों का, फिर एक और का भी आया था, मैंने कहा मेरे कार्यक्रम बने हुए हैं तो रह नहीं सकता हूँ, परंतु आगे कोई होगा तो मैं देखूँगा उनमें आ सकूँ।
तो भी मैं कल कलकत्ता में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और एक सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, वहाँ पर कार्यक्रम में। तो एक मंथन उसका नाम रखा है, क्योंकि वर्कशॉप कहने के बाद होता है कि सोच तो होगी पर कार्रवाई नहीं होगी। मंथन ऐसा है कि जितना भी खराब है वो छंट जाएगा और अच्छा आएगा, और उस अच्छे में से अच्छा होने के लिए फैलेगा। इसलिए मंथन जो है एक बड़ा पॉजिटिव और डायरेक्शन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक दृष्टि मंथन के रूप में, यह है दिल्ली में एक सेमिनार जो है एक दिन भर का, 27 दिसंबर को होगा, और पूज्य बाबा साहब के नाम पर जो इंटरनेशनल वो बना है सभागार, अम्बेडकर सभागार, वहाँ पर वो रहेगा। लगभग देश के सैकड़ों सैकड़ों एक्सपर्ट्स उसमें आएंगे, फ्रॉम ऑल एरा होंगे, जजेस भी होंगे, इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, मीडिया के लोग भी होंगे, सोशल रिफॉर्मर भी होंगे, आर्मी रेगुलर फोर्सेस के जो रिटायर्ड अफसर हैं वो भी होंगे, पैरामिलिट्री भी होंगे, डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर जो डील करते हैं वो भी होंगे, और ऐसे थिंक टैंक जो काम करते हैं उनमें से भी लोग होंगे, उसके अंदर से IAS IPS रिटायर भी होंगे। तो इस तरह के एक 13-14 तरह के होंगे, कुछ ऐसे जो देश की सुरक्षा के बारे में काफ़ी विचार करते हैं ऐसे लोग होंगे। तो ऐसा एक ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो इस कार्यक्रम के अंदर लगभग ये विचार किया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं इंडिविजुअली पेश करने के बजाय हर सब्जेक्ट का एक नया प्रकार लिया गया, जो प्राय कभी किसी सेमिनार में नहीं होता है। हर एक विषय पर इंडिविजुअली बोलने वाले आते हैं, पर मान लो एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के 8 एक्सपर्ट इकट्ठे बैठे, आठों एक्सपर्ट ने मिलकर पेपर तैयार किया है, यानी उसका पूरा चिंतन करके तैयार किया है। हर एक्सपर्ट का पेपर नहीं है, हर एक्सपर्ट का विचार है, चिंतन है उन्होंने, और कोरिलेट किया है, फिर मिलकर एक मैच्योर पेपर तैयार किया है। शायद अभी तक जितने भी सिक्योरिटी पर सेमिनार हुए और सिक्योरिटी पर बुक्स आई हैं, तो ऐसा प्रोसेस करके ये पहली बुक आएगी और पहला सेमिनार होगा। और इसलिए उसके ऐसे 16-17 ग्रुप बनाए गए, एक एक ग्रुप में किसी में 3-4 एक्सपर्ट थे, किसी में 8-10 एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अपने सब्जेक्ट पर थोरोली लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक थॉट किया, और उसके बाद वो पेपर प्रिपेयर किए गए। तो उसकी एक पुस्तक भी छपेगी जो उस दिन रिलीज़ होगी, पुस्तक जो है वो रिलीज़ होगी। और उसके साथ साथ ऐसे ही हर ग्रुप से कोई ना कोई एक्सपर्ट इस विषय को रखेगा, और सिलेक्शन भी हम लोगों ने नहीं किया है, उन्होंने स्वयं से की कि हमारे सब में से ये आदमी सब्जेक्ट को रखेगा। तो इस प्रकार से यह दिन भर कार्यक्रम चलेगा। तो एक तो उस कार्यक्रम का आप सबको सादर निमंत्रण है कि आप लोग उसमें जरूर आइए, और दूसरा